गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी को इस नए सेशन और नई क्लास में प्रवेश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय सारा विश्व एक बहुत ही भयंकर महामारी COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण सफर कर रहा है। इस करके हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हर घर पर ही आप सभी को डिजिटल लर्निंग के माध्यम से हर घर पाठशाला कार्यक्रम की सहायता से शिक्षा उपलब्ध करवाने जा रहा है। तो इसके साथ ही आज हम सबसे पहले अपने सिलेबस की इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हम इस सेशन में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 7 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे सारे लेक्चर्स आप सभी को इन कमिंग डेज में यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सिलेबस की इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि हमारे सिलेबस में कुल 7 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। सेकंड यूनिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस। तीसरा डेस्कटॉप पब्लिशिंग है एडवांस्ड। चौथा एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है थ्रू PHP। पाँचवा RDBMS एंड MySQL है। छठा PLS SQL इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। 7 चैप्टर इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशंस का है। सबसे पहला चैप्टर हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कभी भी वायरस नहीं आता है और हमें यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलता है। इसके बहुत सारे वर्जन जो है वो इंटरनेट के ऊपर डल गए हैं। अब लिनक्स की एडवांसमेंट जो है वो उबंतु है। उबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में साइबर लॉज पढ़ेंगे और लिनक्स के जो भी फाइल सिस्टम्स हैं उन सारे फाइल सिस्टम को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लिनक्स का करैक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि जो विंडोज में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था वो लिनक्स के अंदर करैक्टर यूजर इंटरफेस है को भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सारी की सारी कमांड्स स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी जो भी ऑपरेशन है जो भी इसके फंक्शन है वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कन्फिग्रेशन एंड मेंटेनेंस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे। इसके अलावा लिनक्स और उबंतु में हार्ड डिस्क की पार्टीशन जो है उसके फाइल सिस्टम के साथ कैसे करते हैं वो भी स्टडी करेंगे। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट सिस्टम उसको भी स्टडी करेंगे। माउंटिंग क्या होती है और कैसे मैनेजिंग स्वैप स्पेस को हम कैसे मैनेज करते हैं। अगर रैम कम पड़ जाए तो हार्ड डिस्क के ऊपर हम किस तरह से रैम का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि कोरल ड्रॉ एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोगोस की डिजाइनिंग करते हैं। लोगोस जो भी हम देखते हैं न्यूज चैनल्स के ऊपर ABPP न्यूज, स्टार प्लस, जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, इनकी मल्टीमीडिया में जो भी लोगोस यूज होते हैं वो सारे के सारे लोगोस की डिजाइनिंग हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके अलावा एनिमेशंस किस तरह से बनती हैं वो सारी की सारी एनिमेशंस भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। किस
किस तरह से बनाते हैं उनको, हर एक स्टेप हर एक स्टेप हर एक प्रोग्राम की वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड करता रहूँगा। फोर्थ चैप्टर रहेगा हमारा एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू पीएचपी। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम तरह तरह की वेबसाइट बनाते हैं। अब जैसा कि हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो वो एप्लीकेशन जो है वो सारा का सारा जो है हम पीएचपी के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके साथ कनेक्टिविटी करेंगे। और कनेक्टिविटी किस तरह से होगी ये सारा का सारा हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम जो एप्लीकेशन बना रहे थे उस एप्लीकेशन का डाटा हम किस तरह से ट्रांसफर करते हैं डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस से हम किस तरह से उसको डाउनलोड करते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। पीएचपी के अंदर जिस तरह से हम एचटीएमएल में सारे के सारे कोड्स कर रहे थे, कोड से डिजाइनिंग कर रहे थे, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस बना रहे थे, चेक बॉक्सेस बना रहे थे, लेबल्स वगैरह बना रहे थे, या फिर फाइल बना रहे थे, सबमिट बटन बना रहे थे, कैंसिल बटन बना रहे थे, उन बटन्स के ऊपर किस तरह से वर्किंग हमारी चलती है वो सारे के सारे कोड हम पीएचपी के अंदर लिखेंगे। किस तरह से डाउनलोडिंग होती है, किस तरह से अपलोडिंग होती है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। चैप्टर हमारा आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट एंड MySQL है। आरडीबीएमएस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जैसे कि मैंने +1 में भी आपको थोड़ा बहुत मतलब डिटेल में तो नहीं थोड़ा बहुत बताया था कि किस तरह से जो हम डाटा जो है डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो वो सारा का सारा डाटा रहता कहाँ पे है, किसी न किसी डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस में किसी न किसी टेबल के अंदर रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आर डी बी एम एस के अंदर स्टडी करेंगे, और सारी की सारी कमांड्स भी जो कमांड काम करती हैं वो सारी कमांड्स भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो वो सारी की सारी कमांड्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है, DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ये सारी की सारी कमांड्स जो है हमारे डेटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन के काम आएगी, के अंदर हम सारी की सारी किस तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं, किस तरह से डाउनलोडिंग चलती है, किस तरह से अपलोडिंग चलती है डाटा की डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में टेबल से कैसे डाटा बाहर निकल के आता है, और कैसे हम डाटा को उस टेबल के अंदर सेव करते हैं यानी कि अपलोड करते हैं, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा 6th चैप्टर है PLSQL, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो हम आर डी बी एम एस के अंदर ही करेंगे, क्योंकि आर डी बी एम एस ही डाटा बेस हम यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर ही इन सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स है वो सारी यूज़ करेंगे, जिसमें ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स होंगी, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट रहेंगी, इफ एल्स नेस्टेड इफ जो हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी स्टडी की थी, लूपिंग स्टेटमेंट सिंपल लूप होगी, इसमें फॉर लूप होगी, व्हाइल लूप होगी, तरीका वही रहेगा जावा स्क्रिप्ट वाला यूज करने का, थोड़ी सी रूल्स अलग हो जाते हैं लेकिन काम करने का तरीका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही रहेगा। उसके बाद हम 7th चैप्टर को स्टडी करेंगे इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशन को, जिसमें हम ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करते हैं, किस तरह से हम रिजर्वेशन करते हैं किसी प्लेन की, किसी बस की, किसी ट्रेन की, यानी कि तरह तरह के जो इंटरनेट एप्लीकेशन पे काम चलता है वो सारा का सारा काम हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है कि ऑनलाइन बैंकिंग, रिजर्वेशन, ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम अपने इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ जो है आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है।